हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम युवराज सिंह एंड आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश। सो बहुत दिनों से मैं अपने इस लाइफ के इस पार्ट को आप सबके साथ शेयर करने की सोच रहा था अपने इस ब्यूटीफुल से प्लेटफॉर्म पर, फिर चाहे जितने भी व्यूज आए, जितने भी सब्सक्राइबर्स हों। बट मैंने काफी लंबे समय बाद अपने आप को समझाया, इतनी हिम्मत जुटाने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए अब अपनी इस स्टोरी को शुरू करता हूँ। 18th ऑफ मार्च 2020 को मैंने अपना 10th बोर्ड का लास्ट एग्जाम दिया था। सो आफ्टर दैट मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, जिस कारण से परसेंटेज मेरे 72 ही रहे। इससे ज़्यादा एवरेज स्टूडेंट हूँ, आप ही अंदाजा लगा सकते हैं। आफ्टर दैट कोरोना की सडनली कोरोना की फर्स्ट वेव आ गई, जिस कारण से 11th मेरा टोटली वेस्ट गया। आफ्टर दैट 2002 को मैंने अपना 12th का बोर्ड एग्जाम दिया रहा, और साथ ही मैं नीट का मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट भी दिया था। जिस कारण से प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं थी, मेरी मैंने सडनली सोचा कि देख ही लेते हैं नीट का भी फर्स्ट अटेम्प्ट, एनटीए कैसे क्या नीट का एग्जाम कंडक्ट करवाता है, कैसे क्या शेड्यूल वगैरह, मीन्स ऑल द थिंग्स। सो जैसे ही नीट का मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, आफ्टर दैट जब रिजल्ट आया तो एज पर एक्सपेक्टेड, जैसा मैंने एक्सपेक्ट ही किया था, मेरा स्कोर 180 आया आउट ऑफ 720। जिस कारण से मैं ज़्यादा डिमोटिवेट भी नहीं हुआ रहा, क्योंकि बिल्कुल नहीं की थी। फिर आफ्टर दैट मैंने डिसाइड किया कि चलिए अब एक साल का और अपना ड्रॉप लेके देख लेते हैं, अच्छे से अपन प्रिपरेशन करेंगे। इस कारण से मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि मैं नीट की प्रिपरेशन के लिए एक साल का ड्रॉप ले रहा हूँ। तो पेरेंट्स ने बोला कि कोटा जाओ। तो एवरेज स्टूडेंट के साथ साथ मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से भी बिलोंग करता हूँ, तो आप लोग भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कोटा वगैरह में एलएन की फीस प्लस हॉस्टल का चार्ज 3 से 3.5 लाख के करीब आराम से पड़ जाता है। तो उतना अफर्ड तो नहीं कर सकते थे, हालांकि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता, जिस कारण से मैंने फाइनली ऑनलाइन प्रिपरेशन करना ही बेटर समझा। सो यकीन 2.0 को मैंने ज्वाइन किया, तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया मैंने, स्मार्ट वर्क भी किया, मैं जितना अपने आप को रगड़ सकता था, अपना 100%। सो 23 को मेरा सेकेंड अटेम्प्ट दिया मैंने, और स्कोर 540 बनाया मेरा, 541। सो जिस कारण मेरा अगेन नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाया। सो बहुत ज़्यादा मैं डिमोटिवेट हुआ, बहुत बुरा फील हो रहा था, क्योंकि अपना मैंने खुद का 100% दिया था, लेकिन अब कहीं ना कहीं तो कमी रह ही गई होगी। मैंने सोचा कि चलो एक साल और ड्रॉप लेके देख लेते हैं। तो अगेन मैंने 2024 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, उसी बैच से, सेम बैच से। फिर जैसे ही प्रिपरेशन स्टार्ट की रही मेरी, कंटिन्यू रही प्रिपरेशन, फिर क्या हुआ कि नवंबर 2023 को मुझे चिकनगुनिया हो गया रहा। तो जिस कारण से वहाँ भी अपने अपने आप को रिकवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मुझे, और जिस कारण से स्टडी भी बहुत सारे बैकलॉग्स वगैरह हो गए रहे। तो आफ्टर दैट मैंने जैसे तैसे बैकलॉग्स को कवर किया रहा। फिर जनवरी 2024 को मुझे टाइफाइड हो गया था। सो जिस कारण से 20-22 दिन मैं जबलपुर हॉस्पिटल में एडमिट रहा, जिस कारण से तो मेरी जो प्रिपरेशन थी वो पूरी ही डाउन चली गई थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने एक वर्ड भी नहीं पढ़ा था। बहुत सारे बैकलॉग्स हो गए रहे। फिर जैसे तैसे 2 फरवरी में अगेन मैंने बैकलॉग्स वगैरह करना स्टार्ट किया। जैसे तैसे
सिलेबस मेरा 50% ही हो पाया था मेरा, और ऑलमोस्ट बैच में तो लगभग एंड एंड ही मीन्स हाँ अबाउट 95% हो चुका था मेरे बैच में। फिर फरवरी के बाद अगेन मार्च में दोबारा से मुझे टाइफाइड हो गया रहा, सीरियस सिचुएशन। फिर अगेन 15 से 18 दिन वहां वेस्ट हो गया रहा, तो जिस कारण से मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हुआ और तो मुझे रोना भी आ रहा था। आप ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जब कोई स्टूडेंट सीरियसली प्रैक्टिस करता है और अचानक से ये सारी सिचुएशंस कंडीशंस आ जाए तो कितना बुरा फील होता है। और हालांकि मेरे पेरेंट्स को भी बहुत बुरा फील हो रहा था, लेकिन जैसे तैसे मैं अपने आप को दोबारा से रिकवर किया एंड अगेन मैंने प्रिप कर दी थी। बट जब तक तो बैचेस में ऑलमोस्ट टेस्ट सीरीज वगैरह स्टार्ट हो गई थी, बट स्टिल मेरा जो सिलेबस था 50% ही हो पाया था। बट बहुत ज्यादा रोना भी आ रहा था मुझे, बट क्या कर सकते हैं, जैसा अपन सोचते हैं ऐसा हमेशा थोड़ी ना होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। बट जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाला, बट 50% सिलेबस में मैंने अपने पेरेंट्स को भी बोला। पेरेंट्स ने बोला कि यदि वेट ना हो और अच्छे से तैयारी हो तो ही अटेम्प्ट देना, नहीं तो फिर क्या मतलब हुआ जब सिलेबस ही नहीं हुआ है तुम्हारा। जिस कारण से मैंने नीट 2024 का अटेम्प्ट स्किप कर दिया, नहीं दे पाया मैं। बट उसी के साथ में मैंने सीयूटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का भी एग्जाम दिया रहा, तो हालांकि कल ही उसका रिजल्ट आया है, तो उसका स्कोर तो मेरा ठीक ठाक ही रहा, हालांकि कट ऑफ के लेवल का ही है। तो नेक्स्ट ड्रॉप तो समझते हैं कि 2 साल लगा दिए, और जिस कारण से मैं जिन सिचुएशन जिन कंडीशन से गुजरा हुआ हूँ, और मेरी फैमिली से भी मैं ही हूँ, तो वो ड्रॉप लेना मैं नहीं चाहता। क्योंकि 22-23 साल तक नीट की तैयारी करते रहो और उसके बाद 26-27 साल तक ग्रेजुएशन हो पाएगी, फिर उसके बाद पीजी की प्रिपरेशन करो, तो ऑलमोस्ट आप भी जानते हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली में अपने पेरेंट्स को कन्वेंस करना भी थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल होता है। फिर देखते हैं, सीयूटी यूजी तो मेरे से क्वालिफाई हो गया है,